और ये 12th of December टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। आज संडे हम लोग राइड पे नहीं गए बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने आ चुका हूँ जो कि होने वाला है हमारी सुजुकी जिक्सर 155 SF के बारे में, जिसमें हमने थोड़े टाइम पहले इंस्टॉल करवाया था एक्रापोविच। माइंड इट, ये वो वाला एक्रापोविच नहीं है, वो वाला जा चुका है, उसकी जगह ये नया आ चुका है। दोनों सेम ही, उसकी साइज थोड़ी सी छोटी थी, ये वाला उससे थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारी चीजें सेम। इसका एग्जॉस्ट निकाल के अलॉन्ग विद कैट कन्वर्टर हमने इसमें बैंड पाइप इंस्टॉल करवा लिया था। वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। मॉडिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर लगा है एक डबल बबल वाइजर ब्लैक कलर के अंदर में, और यहाँ पर लगा है हजार्ड का स्विच। इसके अलावा बाइक में फिलहाल कोई भी तरीके की मॉडिफिकेशंस नहीं है, होपफुली बहुत जल्द करवाएंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है इसी बाइक के बारे में कि एक्रापोविच के साथ ये किस तरीके से परफॉर्म करती है। और अगर आप लोग इस बाइक के बारे में डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, बट वो है 250 cc का, ज्यादा फर्क आपको देखने में नहीं मिलेगा। इस तरीके से मीटर होता है स्टार्ट, हैंडल भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल, प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर वाली पोजीशन, बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती। तो फिलहाल एक छोटा सा ड्रैग लेते हैं, माइंडेड। बाइक की ब्रेकिंग काफी ज्यादा अच्छी है बिकॉज ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ में। एंड अगर इंजन की बात करें तो 150 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कोल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट पावर प्रोड्यूस कर देता है, बट एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट सो गुड। मस्से एक्रापोविच के साथ में काफी स्वीट सा साउंड ये बाइक प्रोड्यूस करती है, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आपको ये आवाज चुभ नहीं रही है। प्लस डीपी कलर लगाते ही बाइक माइट गो टोटली साइलेंट। कंफ्यूज है कि एक्रापोविच लगाना चाहिए या लाउड SC प्रोजेक्ट, इसी के मॉडिफिकेशन वाले वीडियो के अंदर में आपको दोनों ही साउंड कंपैरिजन में मिल जाएंगे, लिंक आई बटन में जाके देख सकते हो। प्लस इस मशीन के बारे में थोड़ी बहुत बात करें तो एक लाइन में कहना चाहूंगा, इट इज अ फन टू राइड मशीन, मतलब इसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है, बहुत ही निम्बल है, इजी टू मनूवर है, बहुत ही इजिली कंट्रोल में आ जाती है। प्लस जब हम उदयपुर राइड पे गए थे तो पूरे उदयपुर में ये बाइक मेरे ही हाथ में थी। कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एक डिसेंट पावर देखने को मिल जाती है, एग्जॉस्ट नोट काफी अच्छा है, माइलेज काफी अच्छा दे देती है। ये चीज मुझे ओनर ने बताई है कि इस बाइक का माइलेज काफी ज्यादा अच्छा है 150 cc के अकॉर्डिंग, जितना माइलेज एक नॉर्मल 100 cc 125 cc आज के टाइम पे देती है, कहीं ना कहीं ये बाइक भी उतना माइलेज निकाल ही लेती है। सुजुकी की रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ में, ब्रॉड टायर्स है आगे और पीछे दोनों, और एक चीज जो हमारे जैसे राइडर्स के लिए बहुत अच्छी है वो है कम्फर्ट, बिकॉज ये एक स्पोर्ट्स टूरर है तो कहीं ना कहीं पावर के साथ में कंफर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। और जब से हमने इसमें एग्जॉस्ट लगाया तब तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है। एंड नॉट टू मेंशन, बट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद में बाइक टोटली बल्की हो जाती है, अभी देखा जाए तो काफी बल्की है बट कंपैरेटिवली इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। ट्रस्ट मी गाइस, रेड लाइन करने में बहुत मजा आता है।
सो गाइस ऐसा कुछ हमारा छोटा सा राइड रिव्यू था इस बाइक के बारे में विद सुजुकी जिक्सर 155। ऑल्सो गाइस अ बिग थैंक्स टू राहुल भाई जिनको ये बाइक बिलोंग करती है, मतलब पूरी उदयपुर राइड पे उन्होंने मेरी बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना था और उसके बाद में जोधपुर आते ही उन्होंने अपनी बाइक में भी लगवा लिया। सो आई होप मैंने आपको इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर कर दी होगी, अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। सो दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ थम्स अप। जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।